साथियों, आज हम एक ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करेंगे जो कि श्रब है। उसको सोन चंपा के नाम से हम जानते हैं, जो कि प्लूमेरिया ऑब्टुसा के नाम से टैक्सोनॉमिकली पहचाना जाता है। यह एक ऐसा श्रब है जो कि एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। एपोसाइनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर प्रचुर मात्रा में एल्कलॉयड पाया जाता है। इसके साथ साथ इन प्लांट्स में प्लूमेरिन, प्लूमेरिडाइन और सिट्रोनिनोल, फार्निसोल, जिरानियोल, लिनालोन, कुर्सेटीन, रूटीन, केमफिरोल, अल्फामायरिन, लूपियोल, बीटा सीटोसिटिरोल और कार्डिनोलाइड्स, इरिडोइड्स आदि आदि पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ये जो केमिकल कंस्टेंट्स हैं वाइड थेरापेटिक एप्लीकेशन रखते हैं। इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से और स्टेम कटिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब हम इसके यूज़ की बात करें, इसका मनुष्य और पशुओं दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो छाल है वो डिकॉक्शन बनाकर गोनोरिया में दी जाती है और विनरल सोर्स जो हो जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसका जो फूल होता है उसका डिकॉक्शन डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और एरोमाथेरेपी में भी इसके फ्लावर का एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस की जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें निजात दिलाता है। अब हम बात करें तो इसकी जो ये जो स्टेम है, स्टेम की जो छाल है उसका उपयोग डायरिया में किया जाता है। और प्रेमी की समस्या के अगर हो तो तांडुल, जो चावल होता है, चावल का पानी और इसकी छाल का डिकॉक्शन मिलाकर देना चाहिए। दोनों देने से प्रेमी की समस्या को आसानी से निवारण करते हैं। बुखार के लिए हमें इसके पुष्प की पंखुड़ियाँ और पान के पत्ते का डिकॉक्शन बनाकर दिन में 2 से 3 बार पिलाना चाहिए। और इसका जो लेटेक्स होता है वह टूथेक की समस्या हो तो उसको लगाना चाहिए, टूथेक की समस्या का निवारण भी वह करता है। इसके साथ अगर स्किन में वुंड्स हैं, घाव हैं, वो हील कराने हैं या बॉयल्स की समस्या है तो उस लेटेक्स को अप्लाई कर देना चाहिए। धीरे धीरे बॉयल्स जो है ठीक हो जाते हैं और हम अच्छा फील करते हैं। इसके बाद अगर पशुओं में बात करें तो पशुओं में कई बार स्नेक बाइट से जो पॉइजन होता है उसका निराकरण करने के लिए इसके जो बीज आते हैं, बीज को पीस कर दूध में मिलाकर पशुओं को उसको पिला देना चाहिए और जो स्नेक पॉइजन है धीरे धीरे वो उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एल्कलॉइड पाए जाते हैं। वो उस स्नेक के पॉइजन के अगेंस्ट एंटीडोट का कार्य करते हैं और एनिमल को सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार से इस प्लांट का हम अपने और अपने पशुओं के स्वास्थ्य के संरक्षण में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अपने नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।